Assalamualaikum, Welcome to Day Book by Kamal. So, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शॉपिंग रिव्यू माई डील बाजार के। मैंने ट्रैक सूट्स और नाइट सूट्स ऑर्डर किए थे, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ कॉटन के ट्रैक सूट्स ऑर्डर किए थे, कुछ सिल्क के नाइट सूट्स आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। सबसे पहले एक ट्रैक सूट है मेरे पास लाइट ब्लू कलर का, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, समर के लिए बहुत अच्छी है, लाइट ब्रीदेबल स्टफ़ है। बस इसका लोगो थोड़ा स्टिकर टाइप है, लाइक अगर आप वन वॉश करेंगे तो ये रिमूव हो सकता है। ओवरऑल ये बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत नाइस है। और जो इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे भी ऐसा ही इन्होंने फ्लावर दिया हुआ है, प्रिंटिंग दी हुई है फ्लावर की, और अंदर से थोड़ा स्टफ़ की स्टिचिंग इस तरह सी है, थोड़ी रफ स्टिचिंग है, लेकिन ये स्टफ़ मैंने समर के लिए ऑर्डर किया था। ये थोड़ा समर के लिए फिट नहीं है, आप इसको विंटर्स में ट्राई कर सकते हैं। एक नॉट है इसके साथ, ये ऐसा ही फ्लावर जैसे शर्ट पे था वैसा ही है, स्टिकर टाइप है, ये रिमूव हो सकता है लेकिन वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पेज का यहाँ पर प्राइस शेयर कर दिया, आप यहाँ से चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरह एक और मैंने ट्रैक सूट ऑर्डर किया था, ऐसे ही लाइलिक कलर की शर्ट है, स्टफ बहुत ही स्मूथ और ब्रीदेबल है, इसके ऊपर फ्लावर बना हुआ है, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। लेकिन ये है कि इसका वन वॉश में जो है इसका थोड़े क्रैक्स पड़ गए हैं इसके स्टिकर के ऊपर, तो और थोड़े से बबल थे, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। थोड़ी सी इसकी क्वालिटी प्रिंटिंग की बेटर हो जाए तो ओवरऑल शर्ट बहुत ज़बरदस्त है। ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र भी बहुत ब्रीदेबल है, समर फ्रेंडली है, और बस ये है कि इसके वॉश से इसकी लाइनिंग जो थी वो डार्क ब्लैक कलर में थी, जो कि बाद में थोड़ी सी लाइट हो गई। थोड़ा इसकी ट्राउज़र की क्वालिटी को इनको बेहतर करना चाहिए, लाइक थोड़ा सा ना अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए समर्स के लिए भी। ये जैसे आपके पिक्चर में शो कर दी है इसकी प्राइस भी, और आप इंस्टाग्राम पेज से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। शो करूँगी सबसे पहले नेवी ब्लू कलर का सिल्क पीजे, वाइट कलर की पाइपिंग है, इसकी कॉलर शर्ट है, फैब्रिक बहुत ही स्मूथ और ब्रीदेबल है, समर फ्रेंडली स्टफ़ है। इसका स्टिचिंग का थोड़ा सा इशू है, 2 or 3 वॉशेस के बाद इसकी स्टिचिंग रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है। पिक्चर मैंने आपके साथ इंस्टाग्राम पेज की शो कर दी है, आप चाहें तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। सेम इसकी फैब्रिक क्वालिटी है ट्राउज़र की, जो कि मैंने आपको शो कर रही हूँ, सेम इन्होंने पाइपिंग की हुई है लोअर बॉटम एरिया पे। इसका क्रॉच एरिया की स्टिचिंग की प्रॉब्लम है, बिकॉज ये बहुत टाइट था जब मैंने इसको वेयर किया था, ये फट गया था री स्टिचिंग के बाद, ये बिल्कुल अनफिट हो गया है मुझे। सो पर्पल कलर का भी मैंने सिल्क पीजे ऑर्डर किया था, इसकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका कलर बहुत नाइस है, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है ये कलर। स्टिचिंग का इसका भी इशू है, स्टिचिंग इसकी भी रिमूव हो गई थी आफ्टर अ वॉश, सो अगर इसकी स्टिचिंग बेहतर हो जाए तो आई लव देम वेरी मच। बहुत ही प्यारा सा कलर है इसका, पिक्चर में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्राइस भी मेंशन है, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। ट्राउज़र है इसका, इसका थोड़ा सा ट्राउज़र थाई एरिया से टाइट है, इनको थोड़ा सा साइज़ वेरिएशन करना चाहिए, बिकॉज लार्ज और एक्सेल का ये लोग सेम साइज़ प्रोवाइड करते हैं, तो थोड़ा सा बेटर होना चाहिए इनका साइजेस में। ओवरऑल मुझे ये बहुत पसंद है, इसका फैब्रिक बहुत ही स्मूथ है। कुछ एक मैंने ऑर्डर किया था लिलन क्वालिटी, समर लिलन है इनका, पिक्चर मैंने आपके साथ स्क्रीन में शेयर कर दी है, बहुत ही ब्लैक और बेस के ऊपर पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं, समर फ्रेंडली ये स्टफ है, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया। इसकी भी कॉलर शर्ट है, थोड़ा सा फैब्रिक इसका भी रिमूव होना स्टार्ट हो गया था आफ्टर अ वॉश, सो थोड़ी सी स्टिचिंग क्वालिटी बेटर हो जाए तो आई लव देम ऑल, बहुत ही अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, होप यू लाइक माई वीडियोज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।